हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम से अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज पूरा दिन बहुत हैक्टिक वाला डे था। बहुत बिजी थी मैं, पूरे दिन बिजी थी और इसलिए अभी मैंने अपने चिश्तिया क्रिएशन चैनल पे लाइव किया है, जिसके अंदर मैंने सेल चलाई है। तो सेल में बहुत सारी ब्यूटीफुल कुर्तियाँ मैंने दी है सेल में, और काफ़ी सारा स्टॉक निकल गया तो वो तो मैंने अलग साइड में ही रख दिया है। बाकी जो है वो सब मैं हैंग कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ बात भी कर ली जाए, व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, इस फैन की आवाज़ बड़ी ही खड़ी। उस फैन की आवाज़ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले नहीं हो रही थी, अभी फैन की बहुत तेज़ आवाज़ होने लगी तो मैंने उसको बंद कर दिया। आई होप अब आप क्लियर सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए आपसे बातें भी होती रहेगी और मैं अपना काम भी करती रहूँगी, है ना। तो मैंने अभी जस्ट लाइव स्टार्ट किया और इस तरह के ये हैंगर्स जो है इनमें मैं इनको लगा कर और सारे हैंग कर रही हूँ कुर्तीज़। बहुत सुंदर सुंदर कुर्तीज़ है, आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस तो इसलिए मैं मॉर्निंग से करने का सोच तो रही थी यार कि मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज जो अपना है व्लॉग, बट टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और ये मैंने ना बहुत सारे हैंगर्स मंगाए थे अमेजोन से, चार सेट मंगाए थे जिसमें एक सेट में 12 थे, 12 हाँ 12 के करीब थे, नहीं नहीं मैंने पांच सेट मंगाए थे, एक में 12 थे और पांच सेट मंगाए थे, मतलब टोटल 60 मैंने हैंगर्स मंगाए। और ये वाले सही रहते हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना तो ये वाले सही हैं। इससे पहले मैंने वो महंगे वाले मंगाए थे, वो लकड़ी के जो वुडन के आते हैं वो वाले, बट वो वाले ना गिरते ही और टूट गए, मतलब दो हैंगर मेरे टूट चुके हैं। तो इसलिए अब मैंने ये वाले हैंगर्स ही मंगाए हैं, ये वाले सही रहते हैं, गिर भी जाए तो टूटने का डर नहीं रहता इसलिए, है ना। तो अब मैं जल्दी जल्दी इनको हैंग कर देती हूँ सभी कुर्तियों को, जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे अलग करती रहूँगी। ठीक है, आप में से किसी को चिश्तिया क्रिएशंस पे जाना, और आप लोग भी वीडियो देख लीजिए, आप में से किसी को लेनी है तो आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप लोग भी ले सकते हैं कुर्तियाँ, बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, काफ़ी सारा स्टॉक है जो कि निकल चुका है और काफ़ी सारा स्टॉक है जो अभी तो वीडियो गई है ना जस्ट, तो अब ऑर्डर्स अब आना स्टार्ट हो रहे हैं। बेहद प्यारी प्यारी कुर्तियां हैं और मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली, ज्यादा देर वो ड्रेस में रह ही नहीं पाते हैं। अब नाइट सूट पहनने लग गए ना तो बड़ा ही सूट पहनता है ना तो बहुत ही ज्यादा वो होती है, उलझन होने लगती है, ऐसा मन होता है कि जल्दी से नाइट सूट वापस अपना पहन लो। तो मैंने जल्दी से वीडियो शूट किया, पहले एक घंटे लाइव गई मैं, एक घंटे लाइव जाने के बाद में लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गई, तो फिर मैंने जो है बाद में वीडियो भी शूट की, तो वो वीडियो अपलोड हो रही है अभी और अब वीडियो भी वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात है जी। इसलिए ये व्लॉग इवनिंग से शुरू हुआ है। और आप लोग बताइए सब क्या कर रहे हैं, अभी व्लॉग रेगुलर आ रहे होंगे, आप लोगों को भी खुशी मिल रही होगी जो मेरे व्लॉग्स देखते थे स्टार्टिंग में, और बीच में मैंने व्लॉग बनाने बंद कर दिए थे, बहुत कम हो गई थी मैं, और अब वापस से व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग जो है ना जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगता है कि व्लॉग बन रहा है। ठीक है गाइस, तो अब मैं अपना जल्दी जल्दी से ये काम फटाफट से कंप्लीट करती हूँ। ओके, सिर दर्द बहुत तेज होने लगा, यहाँ से सिर दर्द हो रहा था, इधर से दर्द अभी भी हो रहा है बट अभी थोड़ा हल्का है, उस वक्त तो बहुत तेज दर्द हो रहा था, कंटिन्यू एक घंटे बोलना पड़ता है, कंटिन्यू एक घंटे बोलना पड़ता है,
तो सिर इतना तेज दर्द होने लगा ना, फिर चाय बनाई, चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर एक वीडियो शूट की वापस से इसी की, वो तो चैनल पे अब जाएगी, अपलोड हो रही है वो वीडियो। उसके बाद जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला और मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी सब कपड़े वापस से हैंग कर दिए जाएं, है ना। और ऑफर्स इस बार बहुत अच्छे ऑफर दिए हैं हमने, बहुत अच्छे ऑफर दिए सेल के अंदर। जैसे दो कुर्ती लेने पर एक दुपट्टा फ्री है, तीन कुर्ती कोई लेगा तो एक पैंट फ्री है, और कोई फाइव कुर्तीज लेता है तो दुपट्टा और पैंट दोनों फ्री है, और शिपिंग चार्ज तो सबको फ्री दिया हमने। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स इस बार हमने निकाले हैं, तो आप लोग भी ले लीजिए चिकनकारी कुर्तियाँ, बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन की हैं और सारे साइजेस में अवेलेबल है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर है, पूरा हैंडवर्क हो रखा है, हाथ का वर्क जो होता है ना, हैंडवर्क की तो एक बात ही अलग होती है ना। और कल आ रही है सिस्टर, जी हाँ कल सिस्टर आ रही है खुशबू अपने ससुराल से। उसको गए हुए आई थिंक 2 मंथ हो गए हैं, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, तो अभी वो आज बैठ जाएगी ट्रेन में, शाम में ट्रेन है उसकी दिल्ली से, तो दिल्ली से ट्रेन है तो वो ट्रेन में बैठ जाएगी और मॉर्निंग में यहाँ पर आ जाएगी, तो फिर तो गपशप गपशप करेंगे और खूब इंजॉय मजे भी करेंगे। और इस बार जो है जीजू नहीं आ रहे हैं साथ में, फर्स्ट टाइम जब आई थी वो साथ में ही आए थे और यहीं पर थे, वो भी 1 महीना यहीं थे, और व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हम लोग घूमने निकल गए थे, घूमना फिरना यही सब मस्ती हो रही थी ना, तो व्लॉग्स नहीं बना पाई। इस बार देखिए व्लॉग बनाएंगे, और अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, काम बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो उन्होंने कहा इस बार खुशबू आ रही है और लेने जब आएंगे तब वो आएंगे साथ में, उन्होंने कहा मैं लेने आ जाऊँगा अभी आप जाओ। और तो 2 महीने हो गए उसको, 2-2.5 महीने हो गए तब वो आ रही है, फिर वो जब लेने आएंगे ना तब देखिए इंशाल्लाह व्लॉग में लाएंगे उनको, है ना। अगर वो चाहेंगे तो व्लॉग में लाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर व्लॉग में नहीं लाएंगे। चलिए अब मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, वरना ये पूरा व्लॉग यही वाला हो जाएगा, क्योंकि इस काम को अभी बहुत देर लगने वाली है, इस काम को अभी टाइम लगने वाला है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना कुर्ती, तो इसलिए ठीक है। सो गाइस इस काम को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं जल्दी से इसको कम्प्लीट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी इधर से वापस से थोड़ा क्लीन करके ये जो है ग्रास वाली जो कालीन इसको मैंने बिछाई है, और इसको देखिए इसको कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है इसको, और ये मैंने ऑर्डर किए थे। सो मैं ये सभी है ना लगा रही हूँ, ये अमेज़ोन से मंगाए थे, तरह के स्टैंड है ये, आप
बदबू तो लगी हुई है। पौधे आ जाएंगे एक एक प्लांट। स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे सुंदर ठीक है। इस तरह से सभी प्लांट्स हैं वो मैं फटाफट से रख देती हूँ। सो गाइज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गार्डन एरिया। मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। ये ग्रास वाली जो कालीन जो है इसको मैंने पूरा यहाँ पर पूरा अच्छे से बिछा दिया है, और जो प्लांट्स थे ये मैंने इधर पूरे में लगा दिए हैं प्लांट्स। अभी मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स लाने हैं। ये देखिए ये स्टैंड मैंने इधर ऐसे लगाया है, इसके इधर ही लगाऊंगी मैं इसको, इधर और इधर ऐसे मैं एरिया बनाऊंगी इसको ठीक है। तो ये मुझे और प्लांट्स और प्लांट्स के पॉट्स वगैरह ये लाने हैं। सो ये अभी ऐसे लुक बना है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर सा लग रहा है। और इधर का एरिया तो आप देख ही सकते हो ऐसे, तो बस ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने ये वाली जो स्टूल्स है ना ये यहाँ रख दिए। और चलिए एक दो दिन में देखते हैं, नर्सरी जाएंगे और खूब सारे प्लांट्स वगैरह मैं लेकर आऊँगी तो फिर और ग्रीनरी हो जाएगी काफ़ी अच्छी। और ये बिल्कुल नहीं मान रहा है, ये जब से मैंने लगाया है ना तब से पूरे में इतना दौड़ रहा है, इधर 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 उधर छुप रहा है, और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा शैतान हो गया ये। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर, ये अभी बारिश आने की वजह से ये जो है मरवा है, ये मरवा बहुत अच्छा हो गया है। ये प्लांट देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो हो गया। वो एलोवेरा के भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, ये वाला प्लांट्स भी अच्छा हुआ है। बारिश से काफ़ी हो जाते हैं, और अभी सीज़न तो है ही, तो मैं सोच रही हूँ अभी बारिश के सीज़न में ही लेके आ जाएंगे ना तो और भी प्लांट्स रखेंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये वाली जो है मेरे पास, ये एक कारपेट है, इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊँ, ये एक्स्ट्रा में है, तो सोच रही हूँ कि इसको रूम के अंदर लगाऊँ कि क्या करूँ, रूम के अंदर ही लगा लेती हूँ ना ठीक है। सो ये है, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें कुछ एडवाइस देना चाहें तो आप लोग एडवाइस भी दीजिए और क्या करना चाहिए। मेरे पास है ना वॉलपेपर्स भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो वाइट जो वॉल है उधर वॉलपेपर लगा दूँ क्या, ऐसे वो वाले हैं स्टोन, बड़े बड़े स्टोन जो उसमें ग्रास और इस तरह के हैं, मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में ठीक है। तो या फिर इसी व्लॉग में दिखा दूँगी, अभी तो रात का टाइम हो गया, कल ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा अभी, तो कल मैं आपको मे बी वो वाले दिखाऊंगी जो जो मेरे पास रखे हैं ना वॉल स्टिकर, तो यहाँ कौन सा अच्छा रहेगा वो आप लोग बताना ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पेस्टिंग करूँगी पूरे में ओके।